नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स अपन जब ध्यान करते तो हमें बार बार बताया जाता है कि वर्तमान में रहना है, वर्तमान में रहना है। तो जब हम ध्यान नहीं कर रहे या जो साधक व्यक्ति ध्यान नहीं कर रहा है तो उसका चित्त हमेशा बार बार भूतकाल या भविष्य में जाते रहता है। और जब हम ध्यान करते हैं तो हमें बार बार कहा जाता है कि वर्तमान में रहना है। तो यही है जो हम हमेशा करते आ रहे हैं, इसको छोड़ के हमें एक नई चीज का अभ्यास करना है, जिसको कहते हैं कि वर्तमान में रहना। तो ये होता है कि जिसमें हम जो हमारा स्वभाव है, स्वाभाविक हमारा जो इंक्लिनेशन रहता है उसके विरुद्ध जाकर हम एक नई चीज करते रहते हैं। तो ये समझ लेना, जान लेना बहुत आवश्यक है कि ऐसा क्यों करना है। तो जब हम या जो भी कोई ध्यान नहीं करता है तो उनका जो आकर्षण रहता है वो भविष्य में रहता है कि भविष्य मेरा अच्छा हो, भविष्य मेरा सुखदायक हो। लेकिन आप कितनी भी प्लानिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन भविष्य में एक चीज निश्चित है और वो है आपकी मृत्यु। हर समय हम मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं। तो लेकिन हम इस चीज को समझ नहीं पाते, हम हमारा जो भविष्य है उसको उज्जवल, अच्छा, सुखकारक रखने के लिए तो प्लानिंग करते रहते हैं। बहुत हम ऐसा करेंगे ऐसे सोच के हम बहुत सारी हमारी योजनाएं होती है, कल्पनाएं होती है। लेकिन भविष्य किस बात पर निर्भर होता है? हमारे प्लानिंग के ऊपर या हमारी कल्पनाओं के ऊपर निर्भर नहीं होता है। हमारा भविष्य निर्माण होता है कि हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर निर्भर होता है। अगर हम वर्तमान में अकुशल कर्म करेंगे तो उसका फल हमें भविष्य में अकुशल के रूप में ही प्राप्त होगा। तो इसके लिए ये समझ लेना बहुत आवश्यक है कि जो भी हम वर्तमान में करेंगे उसका ही फल हमें भविष्य में मिलेगा। आप कितनी भी प्लानिंग करो, आप कुछ कितनी भी योजनाएं करो, लेकिन अगर हम वर्तमान में कुशल करेंगे तो भविष्य हमारा कुशल ही होगा। तो इसके लिए ध्यान में हम वर्तमान में हमें रहना चाहिए, जिससे कि हमसे कोई भी अकुशल न बने। तो ये होता है वर्तमान में रहना। साथ में ही बहुत बार हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं कि ये जो हमारे आजू बाजू में जो कुछ हो रहा है या हम हमारे साथ जो हो रहा है, जो हमारा मनुष्य जन्म क्या है, ये क्यों हुआ है, उसमें क्या करना चाहिए, ये जो चीजें हमारे
मन में उत्पन्न होनी होती है, तो उसके बारे में भी हमें चिंतन करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। हमें बहुत दुर्लभ ऐसा मनुष्य जन्म मिला हुआ है, और इस मनुष्य जन्म में हम अपने प्रज्ञा का उपयोग कर सकते हैं, और ये प्रज्ञा के उपयोग से हम अपने आप को एक अलग, जो और कोई कर नहीं सकता है, जैसे कि देव प्राणी ये नहीं कर सकते, वो चीज हम इस प्रज्ञा के द्वारा कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि जो हमारा मनुष्य जन्म है उसका हमें पूर्ण तरह से लाभ उठाना चाहिए। उसमें जो भी हमें कर सकते हैं हम उसको हमें करना चाहिए। तो जब हम प्लान करते हैं और उसको प्लान करके उसको उसके हिसाब से चीजें हो ऐसे हम सोचते हैं, तो वो हमारे आसक्ति होती है कि हमने भविष्य के लिए ऐसे कल्पनाएं की, योजनाएं की है, और उसी तरह होना चाहिए। हमारी जो इच्छा होती है, धारणा होती है, वो हमारी आसक्ति होती है, लोभ होता है, और उसी को ये जो हमारी धारा है, जीवन धारा, तो उसी को ही ये जो प्रवाह कहा गया, जो हमारी कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस का जो हमारी इच्छा होती है उसको ही ये प्रवाह कहा गया है। तो इसके अगेंस्ट, इसके विरुद्ध जब हम प्रयत्न करते हैं तो वो प्रयत्न करना बहुत ही, इसमें बहुत एनर्जी लगती है, वीर्य लगता है, लेकिन वो ये सब करना बहुत आवश्यक होता है। तो एक सूक्त है, नदी सोत सूक्त, जो मैंने ग्रुप में डाला हुआ है। तो भगवान बुद्ध उस सूक्त में हमें कुछ समझाना चाहते हो, तो समझ लेते हैं कि भगवान बुद्ध क्या कहना चाह रहे हैं। तो इति तक 109 नदी सोत सूक्त, उसमें इति उत्तक है जो खुद्दक निकाय का भाग है, जिसमें जो भी ले पर्सन है, यानी जो हमारे जैसे उपासक है, उन्होंने जो कुछ सुना है भगवान बुद्ध से उसको उन्होंने फिर से दोहराया है, उसको इति उत्तक में दर्ज किया गया। तो ये इति उत्तक है खुद्दक निकाय का भाग। तो उसमें एक जगह पे भगवान बुद्ध कहते हैं, ये जो इतिवृत्त बता रही है वो कहते हैं कि मैंने ऐसा सुना है कि एक बार भगवान बुद्ध जेतवन रहते थे, तब उन्होंने ऐसा कहा था। तो क्या कहा था कि एक नदी का प्रवाह है, और उस प्रवाह में एक व्यक्ति बह जा रहा है, और वो जो उसका जो बहना है उसको वो व्यक्ति उसमें सुख मान रहा है, आनंद मान रहा है, और वो बहते जा रहा है। तभी जो नदी के किनारे पे एक व्यक्ति खड़ा है, और वो व्यक्ति उस बहते जाने वाले व्यक्ति को कह रहा है कि हे मनुष्य, तू बहते जा रहा है, लेकिन इस प्रवाह के नीचे जब तू पहुंच जाएगा तो वहां एक बड़ा तालाब है, उस तालाब में तू जब पहुंचेगा
तो तेरी मृत्यु या तुझे मृत्यु जैसा दुख सहन करना पड़ेगा। तो ये जो भगवान बुद्ध बता रहे, ये जो व्यक्ति नदी में बहते जा रहा है वो मनुष्य है, जो हम सभी मनुष्य है। और जो व्यक्ति तीर किनारे पे खड़ा और उसकी दृष्टि अच्छे है, वो जो बता रहा है वो तथागत भगवान बुद्ध है। ऐसे उन्होंने उपमा बताई है। तो वो हमें बता रहे कि ये जो हमारी भाव का प्रवाह है, या हमारा आसक्ति का प्रवाह है, जो नदी जैसा है, जो बहते जा रहा है, हम उसमें बहते जा रहे हैं, उसमें आनंद उठा रहे हैं, उसमें हम सुख मान रहे हैं। तो इसके जो जैसे जैसे हम इससे आगे बढ़ते जाएंगे, तो आगे जो है वो तालाब है और उसमें बहुत दुख या पीड़ा है। अगर आपको उससे बचना है तो आपको अपने हाथ या पाँव से इस किनारे की तरफ आना पड़ेगा। तो उससे आप तालाब में पहुंचने से या दुख से बच जाओगे। तो इस तरह से भगवान बुद्ध उस सिमिली का या माँ का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे जब वो नदी का प्रवाह कहते तो वो आसक्ति के बारे में कह रहे हैं, और जो सुखदायक आनंददायक है, जो हमें नदी का प्रवाह लगता है कि सुखदायक है आनंददायक है, वो हमारे छह इंद्रिय जिससे हम चीजों को आकलन करते हैं। और जो नीचे तो तालाब है, वो जो संयोजन है, जो 10 संयोजन है, उसमें से 5 संयोजन उसके बारे में कह रहे हैं। जो बड़े बड़े भंवर हैं उसको भगवान बुद्ध कहते हैं कि हम जो जो भी इच्छाएं हम पूरी करते हैं उसको भंवर का भगवान बुद्ध कह रहे हैं। और राक्षस और दैत्य ये स्त्री वर्ग के लिए है। और जो प्रवाह के विरुद्ध जा रहे हैं वो गृहत्यागी है, यानी जो भिक्खु है, उनके बारे में भगवान बुद्ध कह रहे। और जो हाथ और पाँव से हम उसके लिए प्रयत्न करते हैं, सिर्फ भिक्खु ही नहीं, सिर्फ हमारे बारे में भगवान बात कर रहे हैं। तो हम भी प्रवाह के विरुद्ध बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। और हाथ और पाँव से, यानी जो हम हमारी ऊर्जा है, हम जो ध्यान कर रहे हैं, जो इसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, उसको भगवान बुद्ध हाथ और पाँव से प्रयत्न करना कहते हैं। तो इस तरह से ये सूत्र, जिसमें भगवान बुद्ध एक उपमा देके हमें समझा रहे हैं कि ये जो जिस चीज का हम आनंद ले रहे हैं वो एक नदी का प्रवाह है, और उसका जो अंत है, अंत नहीं है, तो ये तो चलने वाला है, ये प्रवाह चलते रहता है, उसमें हम बहते जा रहे हैं, कई लाख कल्पों से यही चलते आ रहा है। और ये जो प्रवाह है इसको हम सुख और आनंद मान रहे हैं, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा दुख है, तृष्णा है। तो इससे जब आपको बाहर निकलने की कोशिश करनी है, यानी हाथ पाँव मार रहे, तो हमें पंचशीलों का पालन करना है, आर्य अष्टांगिक मार्ग पे चलना है, ये सारी चीजें, यानी प्रवाह के विरुद्ध चलना है। तो इस तरह से भगवान बुद्ध हमें
किस तरह से जो भी हमारा भविष्य है वो उज्जवल कैसे हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है इसके बारे में बताऊंगा। न कि आप कोई भी योजनाएं बनाए या कुछ आप अपने लिए सेविंग करें, उससे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप वर्तमान को सही रखें, वर्तमान में सही कार्य करें, कर्म करें, वर्तमान में कुशल कार्य करें। तो वर्तमान में कुशल कार्य करना यानी हाथ पांव मारना है, जो प्रवाह के विरुद्ध होता है। जब हम प्रवाह के विरुद्ध हाथ पांव मारेंगे तभी आपका भविष्य उज्जवल होगा। तो इस तरह से भगवान बुद्ध हमें प्रेरित करते हैं कि हम किस तरह से हमारा जो दुख से दूर होना है और हमारा जो निर्वाण हमें प्राप्त करना है उसके बारे में हमें बताते हैं। तो ये जो भगवान बुद्ध जो नदी का प्रवाह कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो ये अनेक कल्पों से हम इस प्रवाह में बहते आ रहे हैं, लेकिन हर जन्म में हम इस प्रवाह में गिरते हैं और कभी कभी हम अपाय लोक में होते हैं तो वो नीचे वाले तालाब में हम होते हैं। जो भंवर होता है, भंवर में कोई आदमी कोई वस्तु अगर गिर जाए तो वो बार बार उसी जगह पे घूमती रहते पानी के भंवर में, और बाद में उस भंवर के नीचे यानी नीचे की तरफ जाती रहती है। तो इस तरह से भगवान बुद्ध अभी ये जो सारे लोग हैं उसमें कैसे हमारे दुख हमें झेलने पड़ते हैं उसके बारे में बताते हैं। जब हम अपाय लोक में हैं तो हम नीचे ही जाते रहते हैं, ऊपर आने के लिए बहुत कम संभावना होती है। तो इसके लिए जो ये जो सफरिंग है उसको हमें समझ लेना चाहिए और इस सफरिंग से या दुख से दूर जाने के लिए हमें हाथ पांव मारने यानी पंचशीलों का पालन करना है, आर्य अष्टांगिक मार्ग पे चलना है। तो ये सारी चीजें हमें वर्तमान में करना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पे जो ये नदी का प्रवाह है तो ये निरंतर चलते आ रहा है और हम निरंतर इसमें बहते जा रहे हैं। तो जब भी ये बात आती है कि ये हमारा जन्म है लेकिन ये अगणित जन्म हमने यहाँ पे लिए हुए हैं और हर बार हम इस पे बहते जा रहे हैं। जब विज्ञान की बात आती है तो विज्ञान कहता है कि इस जो पृथ्वी है उसका जन्म एक या सारे ग्रह का जन्म एक बिग बैंग से हुआ, यानी एक बॉडी टक्कर हो गई और उसके वजह से टक्कर से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है उससे ये सारा यूनिवर्स उत्पन्न हुआ है और वो भी बढ़ते ही जा रहा है और उसमें हमारी एक पृथ्वी एक है। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगण्य सूत्र में भगवान बुद्ध बताते हैं कि ये जो शुरुआत है ये शुरुआत एक अंत हो गया, एक अंत होने के बाद ये शुरुआत हुई। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि कोई भी चीज उत्पन्न होने के लिए कोई ना कोई कारण आवश्यक होता है। तो जो नष्ट हो गया वो उसकी स्थिति थी, उसका कारण था, और वो नष्ट होने के स्थिति और कारण के वजह से दूसरी चीज उत्पन्न हुई है। तो इस तरह से वो जो कारण था, कारण के बिना कुछ संभव नहीं है। तो इसी तरह से ये बिग बैंग थ्योरी में भी जो वैज्ञानिक कहते उसमें कोई कारण वो बता नहीं पा रहे, उसकी वो खोज कर रहे लेकिन कारण बता नहीं पा रहे। तो 2600 साल पहले भगवान बुद्ध ने कहा था कि एक चीज खत्म हो गई थी और उसके खत्म होने के वजह से ये जो दूसरी
चीज उत्पन्न होगी, तो और ये सिलसिला हमेशा जारी रहती है। तो ये हर एक विश्व जो है या यूनिवर्स है वो एक बार खत्म होता है, दूसरी बार उसी से वो शुरू हो जाता है। तो ये कहीं भी पहला उसका शुरुआत नहीं होती है, वो एक सर्कल चालू रहता है। जैसे हमारा जीवन चालू रहता है, मृत्यु होती है, फिर नए जगह पर हम जन्म लेते हैं, फिर से हम थोड़ी देर के बाद हमारी मृत्यु होती है, फिर हमारा जन्म होता है। वो तो जो सर्कल चालू है उसी तरह से ये जो विश्व है उसी तरह से चलते रहता है। तो ये अगण्य सूत्र में भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब ये शुरुआत हुई तो शुरुआत में अभस्सरा लोक, यानी आप हम सभी पता है वो अभस्सरा लोक जो उनकी स्किन या उन स्वयं प्रकाशित रहते हैं ऐसे जीव होते हैं, तो उनका पहले उत्पन्न हो गए जो सुपीरियर थे, उनमें किसी भी प्रकार की तृष्णा नहीं थी, वो बहुत हैप्पी थे, समाधानी थे। और जब वो काफी दिन तक ये लोग चलते रहा तो एक कारण के वजह से कोई भौतिक वस्तु वहां उत्पन्न हो गई। कारण था ये अवसरा लोग के जो जीव थे वो कारण थे, उनकी वजह से एक भौतिक वस्तु वहां पे उत्पन्न होगी। तो ये जो जीव है इन्होंने उस चीज को देखा और जब देखते ही उनके मन में तृष्णा उत्पन्न होगी, ये क्या चीज है, कैसे चीज है, और उसका उन्होंने खा लिया कैसे, या उसको स्वाद ले लिया ऐसा कह सकते हैं। तो उस देखना, खाना, स्वाद लेना, ये सब चीजें तृष्णा का ही पार्ट है। और जैसे उन्होंने तृष्णा की वजह से, आसक्ति से वजह से उसका आनंद लिया, वैसे ही उनका जो तेज था वो कम हो गया क्योंकि उसमें तृष्णा उत्पन्न हो गई, और जो तेज कम हो गया उसके वजह से जो आगे के जो भौतिक वस्तुएं उत्पन्न होनी थी, जो पहले उत्पन्न हुई थी बहुत सुपीरियर थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके बाद की जो उत्पन्न होगी वो कम हीन दर्जा की थी, उसका भी उन्होंने आनंद लिया, तो उसके वजह से उनका जो तेज था वो और कम हो गया। तो ऐसे ये सिलसिला भी चलते रहे, उनमें आसक्ति उत्पन्न होती रही, वो उसका चीज का आनंद लेते रहे, और फिर ऐसे होते होते फिर ये जो अभस्सरा लोक के जीव है वो मनुष्य लोक में उनका उत्पन्न हो गए, क्योंकि उनमें आसक्ति उत्पन्न हो गई थी और वो आसक्ति के वो सुख और आनंद उठा रहे थे, तो फिर उनका जो ग्रेड था वो कम होते होते वो मनुष्य लोक में उत्पन्न हो गए। तो हम भी आज भी देखते हैं कि जो पूर्व के मनुष्य थे उनकी क्वालिटी उनमें ज्यादा अच्छा ही थी, लेकिन उन्होंने बार बार तृष्णा या आसक्ति में रह के उनकी क्वालिटी, उनका जो दर्जा था वो कम होते होते जाते। आज हम देखते हैं कि हमारे मनुष्य जो लोग हैं उनकी उनका जो लेवल है वो बहुत ही खराब हो चुके। एक छोटी छोटी बातों पे मनुष्य एक दूसरे की जान ले लेते हैं, और जो शीलों का पालन नहीं करते, झूठ बोलते हैं, तो ये सारी चीजें आसक्ति के, जैसे हम आसक्ति में सुख मानते हैं, हमारे जो चित्त है उसका जो शाइनिंग रहता है, उसकी जो चमक रहती है वो फीकी हो जाती है, वो कम हो जाती है, और उसके वजह से जो हमारे आगे जो हमें चीजें प्राप्त होने वाली है
वो भी कम दर्जा की हो जाती। तो ये चक्कर ऐसे चलते रहता है। तो और फिर मनुष्य लोक में हम चीजें लेने लगे, हमारे हमारे पास रखने लगे, और ये मेरी चीज है, ये मेरा जगह है, ये मेरा घर है, ये सब हम कहते रहे। तो हम मैं इसमें हमारा जो अनंत है वो मैं हूँ, आत्मा है, ये हमें भाव निर्माण हो गया। जैसे ही अत्ता का भाव, यानी मैं हूँ, मैं ये सब कर रहा हूँ, ये अत्ता का भाव जैसे ही आया, वैसे हम और जो दुर्गुण है उसको शिकार होते गए। तो इस तरह से एक अच्छी अच्छे चित्त को, अच्छा चित्त जा अवसर लोक का जो अच्छा चित्त था, उसको आसक्ति की, हम उस पे सुख में आनंद में रहते रहे, उसका आनंद उठाते रहे, और फिर उस आनंद के वजह से और हम में तृष्णा उत्पन्न होगी, और तृष्णा को हमने पूरा किया तो और तृष्णा उत्पन्न होगी। लेकिन जैसे जैसे हम तृष्णा बढ़ाते गए, वैसे वैसे हमारा जो माइंड की क्वालिटी थी, चित्त की क्वालिटी थी, वो कम होते गई। और उसी तरह से आज हम मनुष्य लोग की ये चित्त की स्थिति ऐसी, तो हम देख सकते हैं कि 2600 साल पहले जब भगवान बुद्ध ने ये बताया किस तरह से हमें प्रवाह के विरुद्ध जाना है, तो उस वक्त के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा शील पालन करते थे, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिक मार्ग पे थे। लेकिन आज परिस्थिति विपरीत है, लोग जो आध्यात्मिक मार्ग है उसको ऐसा कुछ होता नहीं, ये सब गलत है, इस तरह से हम अभी सोचने लगे। तो ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चेंज है, कल्चरल चेंजेस, जो सांस्कृतिक चेंजेस है, ये चलते आते रहते, उसमें भी कमी आती रहती है। तो पहले के जो लोग थे काफी हद तक ये जो पुनर्जन्म है ये सब चीजें उसके ऊपर विश्वास रखते थे, और उस विश्वास के वजह से वो अपना भविष्य अच्छा रखने के लिए हमारे उनसे कुशल कर्म करने की कोशिश करते और अकुशल से दूर रहने की कोशिश करते थे। तो क्योंकि उनका पुनर्जन्म में विश्वास था, इसके लिए ये चीजें उनसे अपने आप हो जाती थी, क्योंकि उनके चित्त की धारणा थी कि ये मेरा जो भविष्य है उसको मैं सही करूं, इसके लिए वर्तमान में मुझे सही रहना आवश्यक है। लेकिन जैसे ये वक्त बीतता गया, उसमें लोगों की जो कल्चर है वो चेंज होता गया, कल्चर चेंज के वजह से ये जो धारणाएं थी उसमें भी बदलाव होते गए, जो पुनर्जन्म है या कर्म है ये सारी चीजें उसको लोगों ने पुरानी बातें या पौराणिक बातें या उसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है ऐसे कह के इस चीजों को नकारना शुरू कर दिया। और आज ये हम देखते कि हमारे आजू बाजू के बहुत सारे लोग इस चीज को स्वीकारते नहीं है, और स्वीकार नहीं होने की वजह से फिर वो उनमें अपना भविष्य ठीक करने के लिए फिर वो भौतिक चीजों का संग्रह करने लगते हैं कि भौतिक चीजें हम जितने हमारे पास होंगी उतना हमारा भविष्य अच्छा होगा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि भौतिक वस्तु के जितने भी हम जमा करते रहेंगे, लेकिन जब तक हमारे आध्यात्मिक
क्वालिटी, हमारे आध्यात्मिक गुण हमारे अच्छे नहीं होंगे तब तक हमारा भविष्य अच्छा नहीं होगा। तो इसके लिए वर्तमान में हमें आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पाथ पे, आर्य अष्टांगिक मार्ग पे और शील पे रहना बहुत आवश्यक होता है। तो इस तरह से ये जो स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक मार्ग या उसकी क्या आवश्यकता है ये हम इससे जान सकते हैं। ये जो स्ट्रीम भगवान बुद्ध कहते हैं, ये अगर हम इसको बहुत अलग अलग चीजों में ले सकते हैं, जैसे आसक्ति का या आसक्ति का प्रवाह कह सकते, आसक्ति की नदी कह सकते हैं, या फिर जो हमारा भव का प्रवाह कर सकते, यानी जो हमारे इच्छा होती है बार बार उत्पन्न होने की, बार बार जन्म लेने की, उसका प्रवाह भी कहा जा सकता है। साथ में ही हमें जो हम संसार गृह त्यागी है उनके लिए ये लोक धम्म का प्रवाह भी कहा जा सकता है। लोक धम्म हमें पता है 8 तरह के लोक धम्म है। तो हम अगर प्रेजेंटली देखें, अगर हम समझो ये पिछले बातें या भूतकाल उसको छोड़ दे और सिर्फ प्रेजेंट में वर्तमान की बातें करें, तो ये लोक धम्म का प्रवाह है जिसमें हम बहते जा रहे हैं। कौन से लोक धम्म है? प्रेज और ब्लेम, यानी मराठी में स्तुति और निंदा, हिंदी में तारीफ और निंदा, फेम और डिफेम, यानी मराठी में प्रसिद्धि और कुप्रसिद्धि, हिंदी में शोहरत और बदनामी, गेन एंड लॉस, यानी मराठी हिंदी में सेम होता है लाभ और हानि, और सुख और दुख, यानी सुख और दुख, सफरिंग एंड हैप्पीनेस। तो ये 8 लोक धम्म है। तो इसके प्रभाव में भी हम बहते जा रहे हैं। तो इससे अगर हमें बाहर निकलना है तो हमें हाथ पाँव मारने पड़ेंगे। तो ये जो है, इसमें हम जब हम इस चीज को देखेंगे तो हम काफी हद तक अपने आप को जो दुख है उससे दूर कर पाएंगे। और जब हम अपने आप को दुख से दूर कर पाएंगे तो वैसे ही हम निर्वाण की राह पर अपने आप को ले जा सकते हैं। हम ये जो हमारा भौतिक जीवन है उसमें हम बहुत बार हम सभी जो योजनाएं बनाते हैं कहते हैं कि मेरी ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कि इसमें ऐसा करूंगा, और शॉर्ट टर्म प्लानिंग। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, अगर हम लॉन्ग टर्म कहते हैं तो 20 30 25 साल की हम प्लानिंग करते हैं, लेकिन जो हमारी जो लाइफ है वो बहुत बहुत ही छोटी। अगर हम टोटल हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हमारा अस्तित्व है, उसकी हम बात करें तो ये मनुष्य जीवन समझो 70-80 साल का भी हो तो भी बहुत ही छोटा है। जैसे भगवान बुद्ध कहते कि ये हम जो घास होती है उसके ऊपर जो एक दव होता है उसके बिंदु के समान हमारा जीवन होता है। जैसे सूरज उगता है वो भाप बन के नष्ट हो जाता है, उसी तरह हमारा जीवन है। जैसे कि पानी की बूंद गिरे उसके एक बबल पैदा होती है और नष्ट हो जाती है, उसी तरह हमारा जीवन है। बहुत ही छोटा जीवन है जिसमें हम कहते कि हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, ये सब हमारी मिथ्या दृष्टि है। तो जो भी हम करेंगे वो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, हम अगर भौतिक चीजों में कह रहे हैं, लेकिन हमारी अगर हम कंपेयर करें तो हमारा ये जीवन है बहुत ही छोटा जीवन है। तो हमें उसके लिए हमें कोई भी क्षण गंवाना नहीं चाहिए। एक एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। हम अगर सोचेंगे कि हम रिटायर होंगे और उसके बाद हम ध्यान करेंगे
उसके बाद हम स्पिरिचुअल पाथ या आध्यात्मिक का काम करेंगे, तो उसके बाद बहुत कम समय बचता है हमारे पास। ऐसे ही हमारी लाइफ बहुत छोटी है, उसमें भी हमारे पास बहुत कम समय बचता है, तो उसमें हम कुछ ज्यादा हासिल नहीं कर पाते। और ऐसा भी हो सकता है कि जब हम पूरे जीवन हमने भौतिक सुखों का आनंद लिया है, तो रिटायरमेंट के बाद या हमारी जो भी जिम्मेदारियां है वो खत्म होने के बाद भी हम उसे में उलझे रहे, तो ये होते रहता है। तो इसके लिए बहुत आवश्यक होते है कि जो भी समय, जिस समय हमें चीजें सही करने का मौका मिले तो हमें करना चाहिए, हमें शीलों का पालन करना चाहिए, आर्य अष्टांगिक मार्ग पे चलना चाहिए। तो ये सब बहुत आवश्यक होता है। इसके लिए हम क्या कहते हैं कि भगवान बुद्ध में हम शरण लेते हैं। तो भगवान बुद्ध में जब हम शरण ले रहे हैं, तो उस शरण लेने का मतलब ये है कि भगवान बुद्ध जो भी बता रहे हैं उसके ऊपर हम विश्वास रखते हैं, और वो विश्वास रखने के बाद ही हम जो वो कहते हैं उसके ऊपर हम चल सकते हैं। अगर हम रिफ्यूज ले रहे, आश्रय ले रहे, शरण ले रहे और किस कोई भी चीजों के बारे में हमारे मन में शंका है, तो हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलना हमें मुश्किल हो जाए। तो इसके लिए ये बहुत आवश्यक है, जब हम आश्रय ले रहे, शरण ले रहे, तो ये चीजों को हमें सीरियसली लेना चाहिए, उसके ऊपर गहराई से चिंतन करना चाहिए। तो ये जो लोक धम्म है वो उसका जो हम इसमें बहुत फंसे रहते हैं, जैसे प्रेज और ब्लेम, यानी तारीफ और निंदा। तो जो भी को भी कोई हमें हमारी स्तुति करता है, हमारी तारीफ करता है, तो हमें हमें अपने आप ही एक ईगो या हमें अच्छा तो लगता ही है, और हमारा ईगो या हमारा जो आय होता है, सेल्फ होता है, वो विकसित हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है। और उसके वजह से जो हम नहीं होते हैं हम समझ लेते कि हम वो है, और फिर ये वो समझने की वजह से फिर हम उसको प्रोटेक्ट करना, उसको उसको सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं। और जब हम उसको सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं, और अगर उसको कोई छेड़ दे उस चीज को, तो फिर हमें गुस्सा आ जाता है। तो कोई भी स्तुति होती है उसके ये पहलू बहुत आवश्यक होता है, जिसको हमें सोचना चाहिए। तो जब भी कोई हमें तारीफ करे, तो हमें चिंतन करना चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमें चिंतन करना चाहिए कि ये जो व्यक्ति कह रहा है, क्या ये सही कह रहा है, क्या मैं सही में ऐसा हूं, या फिर इसका कहने का कोई अलग अर्थ होता है, या उसको कुछ अलग चीज कहने। तो इस चीज को हमें सोचना चाहिए, उसको हमें समझ लेना चाहिए, न कि कोई आपकी तारीफ करता है और हम उसमें बहने लगे और उसमें हम अपने आप को इतना बड़ा कर ले, और वो बड़ा होने के बाद, यानी हम अपने आप को बड़ा जब समझने लगते हैं, तो उसी तरह से जितने हम अपने आप को बड़े समझ लेने लगते हैं, उसी तरह से हमारे जो दुख है वो बढ़ते जाता है। क्यों बढ़ते जाता है? क्योंकि हम जो नहीं है उस वैसे हम उसको हम समझने लगते हैं, और फिर जब भी उसके विपरीत कोई चीज हो तो फिर हमें दुख होता है। उदाहरण के तौर पे लेते हैं कि कोई व्यक्ति किसी डिपार्टमेंट है, उसका हेड है, तो वो व्यक्ति जो है वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, लेकिन वो व्यक्ति कुछ समय के लिए उस डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द हेड होता है,
उसके पहले भी कोई तो था या उसके बाद भी कोई, तो जब वो रिटायर होएगा हो जाएगा तब उसके बाद भी कोई और व्यक्ति उस जगह पे होने वाला है, लेकिन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तो एक व्यक्ति होता है, वो समझता है कि मैं हेड हूँ और अगर कोई वहाँ पे आए या वो किसी से मिलने जाए तो उसको लगता है कि उसको हमें खड़े होना चाहिए, उसे रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो वो व्यक्ति, वो जो वो खुद होता है, वो ना सोच के वो हमेशा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहता है, और हमेशा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहने की वजह से वो बार बार अपने आप को दुख की तरफ लेके जाता है। अगर वो ये समझे कि मैं कुछ समय के लिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, लेकिन मैं असल में ये हूँ, जो मेरी पहचान है, जो उसका नाम है, तो वो जब भी उसको कोई निर्णय लेने हैं तब उसको एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लेने हैं, लेकिन जब भी उसको हमारे आजू बाजू में रहना है तो उसको एज अ पर्सन रहना चाहिए, तब उसके जो दुख है वो कम हो सकते। तो ये होता है प्रेज और ब्लेम। ब्लेम भी उसी तरह से होता है, कोई अगर आपको निंदा करे तो आपको आपको चिंतन करना चाहिए कि ये जो व्यक्ति कह रहा है वो सही है, क्या मैं गलत था या मुझसे कोई गलती हो गई, या फिर इस व्यक्ति की कुछ मैंने नुकसान किया उसके वजह से वो मेरी निंदा कर रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, इसको हमें बार बार समझ लेना चाहिए। उसके बाद आता है फेम यानी शोहरत और बदनामी डिफेम। तो फेम भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं, हम बहुत पॉपुलर हो, प्रसिद्ध हो, और इस प्रसिद्ध होने के वजह से भी हम, जैसे हमारा कोई स्थिति करता है तो हम जो नहीं होते वो हम समझने लगते हैं, वैसे ही जब हम हमें शोहरत मिलती है तो फिर हमें भी ऐसे लगता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, लोग मुझे बहुत जानते हैं, और फिर उसके वजह से भी हम अपने आप को सुख की तरफ लेके जाते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि आपको अगर शोहरत प्राप्त करनी है या आप बहुत प्रसिद्ध होना चाहते हैं तो आपको ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि ये चार चीजें आपको करनी चाहिए, जिसको संगा वत्तु भगवान बुद्ध कहते हैं कि आपको जेनरस होना चाहिए। जेनरस होना यानी सिर्फ दान देना नहीं, तो जेनरस यानी ओपन माइंडेड होना चाहिए। अगर आप किसी को उसकी जो बातें हैं उसके अगर आप सुन रहे हैं तो भी उसको जेनरस होना ही कहते हैं। दान देना तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप किसी को लोगों को हेल्प करते रहे भौतिक वस्तुओं से तो भी आप जेनरस हो या आप दानशील हो, ऐसे होता। तो एक आप जनरस होना, फिर बाद में आप उपयोगी हो अदर लोगों के लिए, उपयोगी हो यानी आप कहीं पे गए और किसी ने आपको पूछा कि इस तरह से है और आप उसके उसको हेल्प कर दें, मदद कर दें, तो आपकी जो प्रसिद्धि है वो आपको प्राप्त हो सकती है। और तीसरी जो चीज होती है कि आप लोगों से बात सही ढंग से करो, अगर आप सही ढंग से बात करो, उनको आदर पूर्वक बात करो, उनकी बातें समझने की कोशिश करो, न कि उनसे आर्ग्यू करो, आर्ग्यू करो लेकिन उनको बात समझाने की, जो हमारा मुद्दा है उसको सही तरह से रखना बहुत आवश्यक है, किसी को बिना ठेस पहुंचाए। तो ये तीसरी चीज। और चौथी चीज होती है कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी हो, तो आप उसको अपने लेवल से, अपने इक्वल, अपने बराबर से उसको ट्रीट करेंगे। अगर हम अच्छी पोजीशन पे हैं लेकिन अगर हम जो हमारा प्यून है या कोई क्लर्क है या कोई झाड़ू वाला है तो उससे भी हमें, हम जब अदब से बात करेंगे
उसका रिस्पेक्ट करेंगे तो हम प्रसिद्ध होंगे। तो ये चार चीजें हैं जिससे हम अच्छी प्रसिद्धि हम प्राप्त करेंगे। उसी के साथ ये जो चार ही चीजें, अगर हम शील पालन कर रहे हैं, किसी को नुकसान नहीं कर रहे, किसी जीव की हत्या नहीं कर रहे, हमारी जो मुसावादा नहीं कर रहे या झूठ नहीं बोल रहे या हमारा जो भी सुरा मेरे मज्ज नहीं कर रहे, तो भी हम प्रसिद्ध हो सकते हैं। तो ये सिर्फ बताने के लिए बात थी, लेकिन ये जो शोहरत और बदनामी है, ये भी जो हम नहीं होते वो हम समझने लगते हैं और उससे हमें दुख उत्पन्न हो जाता है। तो इसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि हमें इस चीज को ऊपर चिंतन करना चाहिए कि अगर जब भी हम बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन हमारी प्रसिद्धि को हमें सही ढंग से लेना चाहिए। उसके लिए हमें लोगों को हेल्प करना चाहिए। हमारा जो भी प्रसिद्धि है उसको हमें सही तरह से उपयोग करना चाहिए। और उसके बाद गेन और लॉस, यानी लाभ और हानि। तो ये जो लाभ और हानि है, ये भी हमें भौतिक चीजों के बारे में हमारे जो आसक्ति होती है उसके वजह से हम ये लाभ और हानि के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो कोई भी जब हमें लाभ होता है, हमें कुछ चीज मिलती है, तो हम आनंदित हो जाते हैं। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि ये भी चीज इनपरमानेंट है, ये भी खत्म होने वाली चीज है। और जो हमारी हानि हुई है समझो, तो वो भी इनपरमानेंट, वो भी थोड़े दिन के बाद वो भी खत्म होने वाली है। तो ये जो लाभ और हानि है, इसको भी हमें उसके जिसको जो रियल नेचर है, उसका जो सही नेचर है, उसको हमें समझना चाहिए। और लाभ और हानि ये तीन हो गए, और चौथा जो है वो है सुख और दुख। तो सुख और दुख को भी हमें समझना चाहिए कि हम किस तरह से किस राह पे चलने के बाद हमें सुख महसूस होता है और किस किस चीज के वजह से हमें दुख उत्पन्न होता है। तो अगर हम हमारे मन में लोगों के प्रति करुणा होगी, हम सही ढंग से रहेंगे, हमारा जो रहन सहन है वो सही होगा, वो सही रास्ते पे हम रहेंगे, तो अपने आप ही जो हमारे जो सुख है वो हमें प्राप्त होते रहता है और अपने आप ही हम दुखों से दूर हो जाते होते हैं। तो ये वर्तमान जो भी हमारे कर्म है उसके तो फल हमें प्राप्त होंगे, लेकिन हमें उस चीज को भी समझ लेना चाहिए कि ये मेरे ही कर्म है जो मुझे वापस प्राप्त हो रहे। तो ऐसे अगर हमारा राइट व्यू होगा तो हम समझ पाएंगे कि जो भी हमें ये जो सुख और दुख है वो हमारा ही किया हुआ है और उसका कोई और कारण नहीं है। एक मिनट। उसका और कोई कारण नहीं है। तो इस तरह से हम अगर चीजों को सही तरीके से देखेंगे तो हम अपने आप को इस लोक धर्म के जो प्रवाह है उससे हम दूर रख पाएंगे और उससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। तो
जब हम समझेंगे कि ये सारी चीजें हमने किसी से उधार ली है, बोरो की है, ये मेरी नहीं है, ये कभी ना कभी ये आज मेरी थी, कभी किसी और की हो जाएगी, तो ये जब हम सोचने लगेंगे तो अपने आप ही हमारे जो उसके प्रति लगाव है वो कम हो जाते हैं। जैसे मैं बार बार उदाहरण देते हो, बचपन में हम खिलौने की बहुत हमें पसंद थे, हम उसके साथ खेलते रहते हैं, उसके प्रति बहुत लगाव रहता है, लेकिन आज हम उसी खिलौने के जब देखेंगे तो हमारे में उसके प्रति उतनी आसक्ति नहीं होगी। तो ये चीजें हमें समझना बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए ये जो लोक धम्म है उसका जो प्रवाह है उससे हमें बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए, और बाहर निकल के जो सुगति है, सुगति को प्राप्त होने के लिए या निब्बान के लिए प्राप्त होने के लिए, सुगति के लिए नहीं हमें इच्छा रखनी चाहिए, हमें निब्बान के लिए इच्छा रखनी चाहिए, निब्बान की प्राप्ति के लिए हमें इच्छा रखनी चाहिए। जाते जाते एक उदाहरण दूंगा कि अजात शत्रु का उदाहरण, जो उनको उन्होंने अपने माता पिता की हत्या की थी, जो कि एक बहुत गरुक कम होता है, उसका बहुत उसके वजह से हमारा जो नेक्स्ट लाइफ है वो अपायलोक में होती है, हमारा जन्म। तो वो अजात शत्रु के हाथ से अपने माता पिता का वध हुआ था या उनकी हत्या हुई थी, क्योंकि वो इस चीज को नहीं जानता था, और इस चीजों को नहीं जानने के वजह से उसके हाथ से वो अघन्य अपराध हो गया था, लेकिन अभी उसको वो चेंज कर नहीं पा रहा था। तो ऐसे हमें समझ लेना चाहिए कि किस तरह से हमें ये जो हमारा जो भव का प्रवाह है उससे बाहर निकलना है, और उससे हमें बहुत मुश्किल होता है, और जो प्रवाह है उसके विरुद्ध चलना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत तकलीफ होती है, लेकिन तकलीफ के बावजूद भी उसमें एक अपने आप में एक सुख होता है कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, और इसका जो हमारा जो भविष्य है इससे अच्छा हो जाएगा। तो आज का जो हम जो भी प्रयत्न कर रहे हैं, हम जो ध्यान हम कर रहे हैं या धम्म समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारी चीजें प्रवाह के विरुद्ध हम कर रहे हैं। जो हमारे आजू बाजू के लोग हैं वो जो सेंसुअल प्लेजर्स है उसी को आनंद मानते रहते हैं, भौतिक चीजों को इकट्ठा करना उसी में वो आनंद मान रहे, लेकिन उससे हटके अगर हमारा भविष्य हमें सही करना है तो हमारे जो आध्यात्मिक मार्ग है उसको हमें समझ लेना है, उसके ऊपर चलना है, और यही चीज होती है जो हमारा भविष्य आसान सुखकर और हमारा जो लक्ष्य प्राप्त है, निब्बान के लक्ष्य प्राप्त है, उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। तो ये नदी सोत सूत्र जो है उसमें भगवान बुद्ध हमें इशारा दे रहे कि किस तरह से हम इस भव के प्रवाह में बहते जा रहे हैं, हमें इसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए, रोकना कैसा है वो भी भगवान बुद्ध हमें बताते थे। तो इसी तरह से जरा विषय कठिन था, लेकिन मैंने मेरी समझ से समझाने की कोशिश की है। तो इसी तरह से हम ये जो हमारा जो भी हम प्रवाह के विरुद्ध जा रहे हैं उसमें हमें और एनर्जी प्राप्त हो, वीर्य प्राप्त हो, और हम हमारा जो प्रयास है वो निरंतर से
निरंतरता से चलता रहे और जो हमारा ध्येय है निर्वाण वो हमें सभी को प्राप्त हो, ऐसे इच्छा प्रकट करते हुए ये जो आज का विषय है यही पे समाप्त करता हूँ। साधु साधु साधु।